मैंने सुना है एक सम्राट ने अपनी सुरक्षा के लिए एक महल बनवाया था। उसने ऐसा इंतजाम किया था कि महल के भीतर कोई घुस ना सके। उसने महल के सारे द्वार दरवाजे बंद करवा दिए थे, सिर्फ एक ही दरवाजा महल में रहने दिया था और दरवाजों पर हजार नंगी तलवारों का पहरा बैठा दिया था। एक छोटा छेद भी नहीं था मकान में। महल के सारे द्वार दरवाजे बंद करवा कर बहुत निश्चिंत हो गया था। अब किसी खिड़की से, द्वार से, दरवाजे से, किसी डाकू के, किसी हत्यारे के, किसी दुश्मन के आने की कोई संभावना नहीं रह गई थी। पड़ोस के राजा ने जब यह सुना तो वह उसके महल को देखने आया। पड़ोस का राजा भी उस महल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आदमी ऐसा पागल है कि बंद दरवाजों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि बंद दरवाजों को वह समझता है सुरक्षा, सिक्योरिटी, सुविधा। उस राजा ने भी महल देखकर कहा, हम भी एक ऐसा महल बनवाएंगे। यह महल तो बहुत सुरक्षित है, इस महल में तो निश्चिंत रहा जा सकता है। जब पड़ोस का राजा विदा हो रहा था और महल की प्रशंसा कर रहा था, तब सड़क पर बैठा हुआ एक बूढ़ा भिखारी प्रशंसा सुनकर जोर से हंसने लगा। भिखारी को हंसता देख महल के सम्राट ने पूछा, तू हंसता क्यों है? कोई भूल तुझे दिखाई पड़ती है? भिखारी ने कहा, एक भूल रह गई है महाराज। जब आप यह मकान तैयार करवाते थे तभी मुझे लगता था कि एक भूल रह गई है। सम्राट ने कहा, कौन सी भूल? उस भिखारी ने कहा, एक दरवाजा आपने रखा है, यही भूल रह गई है। यह दरवाजा और बंद कर ले और भीतर हो जाए तो फिर आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे, फिर कोई भी किसी भी हालत में भीतर नहीं पहुँच सकेगा। सम्राट ने कहा, पागल, फिर तो यह मकान कब्र हो जाएगा। अगर मैं एक दरवाजा और बंद कर लूँ तो मैं मर जाऊंगा भीतर, फिर तो यह महल मेरी मौत हो जाएगा। भिखारी ने कहा, इतना आपको समझ में आता है कि एक दरवाजा और बंद कर लेने से आप मर जाएंगे, तो क्या आपको यह समझ में नहीं आता कि जिस मात्रा में दरवाजे आपने बंद किए हैं उसी मात्रा में आप मर गए हैं, उसी मात्रा में जीवन के आधे संबंध टूट गए हैं। अब एक दरवाजा बचा है तो थोड़ा सा संबंध बचा है, अब आप थोड़े से जीवित हैं, इस दरवाजे को भी बंद कर देंगे तो बिल्कुल मर जाएंगे। अब यह मकान एक कब्र की तरह है जिसमें एक दरवाजा है, या दरवाजा और बंद हो जाए तो कब्र पूरी हो जाएगी। और अगर आपको यह लगता है कि एक दरवाजा और बंद करने से मौत हो जाएगी तो जो दरवाजे आपने बंद करवा दिए हैं उन्हें खुलवा दें, और अगर मेरी बात समझें सब दीवाले गिरवा दें ताकि खुले सूरज के नीचे, खुले आकाश के नीचे जीवन का पूरा आनंद उपलब्ध हो सके। शरीर के लिए मकान जरूरी है और शरीर के लिए दीवाले भी जरूरी हैं, पर आत्मा के लिए ना तो मकान जरूरी है ना दीवाले जरूरी है। लेकिन जिनके पास शरीर को छिपाने के लिए मकान नहीं है, उन्होंने भी अपनी आत्मा को छिपाने के लिए दीवाले और मकान बना रखे हैं। जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, उन्होंने भी आत्मा को लोहे के वस्त्र पहना रखे हैं। और फिर आदमी पूछता है, हम दुखी क्यों हैं? हम पीड़ित क्यों हैं? हमें आनंद कहाँ मिलेगा? कभी परतंत्र चित्त को आनंद मिला है? परतंत्र व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति में सत्य को, सौंदर्य को उपलब्ध हुआ है? मैं एक घर में मेहमान था, एक बहुत प्यारी चिड़िया उस घर के लोगों ने पिंजड़े में कैद कर रखी थी। चिड़िया को बाहर का जगत दिखाई पड़ता होगा, लेकिन पिंजड़े की दीवालों के भीतर बंद चिड़िया को पता भी नहीं हो सकता कि बाहर एक खुला आकाश है, और बाहर खुले आकाश में उड़ने का भी एक आनंद है। शायद वह चिड़िया उड़ने का भी ख्याल भूल गई होगी, शायद पंख किस लिए हैं यह भी उसे पता नहीं रहा होगा। और अगर आज उसे पिंजड़े के बाहर भी कर दिया जाए तो शायद वह बाहर आने से घबराएगी और सुरक्षित पिंजड़े में वापस आ जाएगी। शायद पंख उसे अब निरर्थक लगते होंगे, बोझ लगते होंगे, और उसे यह भी पता नहीं होगा कि खुले आकाश में सूरज की तरफ, बादलों के पार उड़ जाने का भी एक आनंद है, एक जीवन है। अब उसे कुछ भी पता नहीं होगा, उस चिड़िया को तो कुछ भी पता नहीं होगा। क्या हमें पता है? हमने भी अपने चारों ओर दीवाले बना रखी है, उन दीवालों के पार जहाँ कोई सीमा नहीं है, जहाँ आग और आगे अनंत विस्तार है, जहाँ कोई लोक है, सूरज है, जहाँ बादलों के पार आगे खुला आकाश है, नहीं, हमें भी उनका कोई पता नहीं है। शायद हमें भी आत्मा एक बोझ मालूम पड़ती है, और हम में से बहुत से लोग अपनी आत्मा को खो देने की हर चेष्टा करते हैं। शराब पीकर आत्मा को भुला देने की कोशिश करते हैं, संगीत सुनकर आत्मा को भुला देने की कोशिश करते हैं, किसी तरह आत्मा भूल जाए इसकी चेष्टा करते हैं। हमें अपनी आत्मा भी एक बोझ मालूम पड़ती है, जैसे पिंजरे में बंद एक चिड़िया को उसके पंख बोझ मालूम होते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कि एक आकाश है जहाँ आत्मा एक पंख बन जाती है, और आकाश की एक उड़ान है जिस उड़ान की उपलब्धि का नाम है प्रभु परमात्मा। और जिस दिन तुमने ये उपलब्धि हासिल कर ली, उसी दिन तुम सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे, एक स्वतंत्र आत्मा बन जाओगे। फ्रायड ने अपनी जीवन कथा में एक छोटा सा उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि एक बार वह बगीचे में अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ घूमने गया। देर तक वह पत्नी से बातचीत करता रहा, टहलता रहा। फिर जब सांझ होने लगी और बगीचे के द्वार बंद होने का समय करीब हुआ, तो फ्रायड की पत्नी को ख्याल आया कि उसका बेटा ना मालूम कहाँ छूट गया है। इतने बड़े बगीचे में वह पता नहीं कहाँ होगा, द्वार बंद होने के करीब है, उसे कहाँ खोजूं? फ्रायड की पत्नी चिंतित हो गई, घबरा गई। फ्रायड ने कहा, घबराओ मत,
एक प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने उसे कहीं जाने से मना तो नहीं किया? अगर मना किया है तो 100 में 99 मौके तुम्हारे बेटे के उसी जगह होने के हैं जहाँ जाने से तुमने मना किया है। उसकी पत्नी ने कहा, मना तो किया था कि फव्वारे पर मत पहुँच जाना। फ्रेड ने कहा, अगर तुम्हारे बेटे में थोड़ी सी बुद्धि है तो वह फव्वारे पर ही मिलेगा, वह वहीं होगा, क्योंकि कई बेटे ऐसे भी होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं होती, उनका हिसाब रखना फिजूल है। फ्रेड की पत्नी बहुत हैरान हो गई। वे गए दोनों भागे हुए फव्वारे की ओर। उनका बेटा फव्वारे पर पानी में पैर लटकाए हुए बैठा पानी से खिलवाड़ कर रहा था। फ्रेड की पत्नी ने कहा, बड़ा आश्चर्य, तुमने कैसे पता लगा लिया कि हमारा बेटा यहाँ होगा? फ्रेड ने कहा, आश्चर्य इसमें कुछ भी नहीं है, मन को जहाँ जाने से रोका जाए, मन वहीं जाने के लिए आकर्षित होता है। जहाँ के लिए कहा जाए मत जाना, वहाँ एक छिपा हुआ रहस्य शुरू हो जाता है और मन वहीं जाने को तत्पर हो जाता है। फ्रेड ने कहा, यह तो आश्चर्य नहीं है कि मैंने तुम्हारे बेटे का पता लगा लिया, आश्चर्य यह है कि मनुष्य जाति इस छोटे से सूत्र का पता अब तक नहीं लगा पाई है, और इस छोटे से सूत्र को बिना जाने जीवन का कोई रहस्य कभी उद्घाटित नहीं हो पाता। इस छोटे से सूत्र का पता न होने के कारण मनुष्य जाति ने अपना सारा धर्म, सारी नीति, सारे समाज की व्यवस्था सप्रेषण पर, दमन पर खड़ी की हुई है। मनुष्य का जो व्यक्तित्व तो हमने खड़ा किया है वह दमन पर खड़ा है। दमन उसकी नींव है, और दमन पर खड़ा हुआ आदमी लाख उपाय करे, जीवन की ऊर्जा का साक्षात्कार उसे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका उसने दमन किया है मन में वह उसी से उलझा नष्ट हो जाता है। थोड़ा सा प्रयोग करें और पता चल जाएगा। किसी बात से मन को हटाने की कोशिश करें और पाएंगे मन उसी बात के आसपास घूमने लगा है। किसी बात को भूलने की कोशिश करें तो भूलने की वही कोशिश उस बात को स्मरण करने का आधार बन जाती है। किसी बात को, किसी विचार को, किसी स्मृति को, किसी इमेज को, किसी प्रतिमा को मन से निकालने की कोशिश करें और मन उसी को पकड़ लेता है। भीतर मन में लड़े और आप पाएंगे कि जिससे आप लड़ेंगे उसी से हार खाएंगे, जिससे भागेंगे वही पीछा करेगा। जैसे छाया पीछा कर रही है, जितनी तेजी से भागते हैं छाया उतनी ही तेजी से पीछा करती है। मन को हमने जहाँ जहाँ से भगाया है मन वही वही हमें ले गया है। जहाँ जहाँ जाने से हमने उसे इनकार किया है, जहाँ जहाँ जाने से हमने द्वार बंद किए है मन वही वही हमें ले गया है। क्रोध से लड़े और मन क्रोध के पास ही खड़ा हो जाएगा। हिंसा से लड़े और मन हिंसक हो जाएगा। मोह से लड़े और मन मोहग्रस्त हो जाएगा। लोभ से लड़े और मन लोभ में गिर जाएगा। धन से लड़े और मन धन के प्रति पागल हो उठेगा। काम से लड़ने वाला मन सेक्स से लड़ने वाला मन सेक्स में चला जाएगा। जिससे लड़ेंगे मन वही हो जाएगा। मन आदमी की परछाई की तरह होता है, जैसा आदमी वैसा मन। अगर तुम क्रोध को मन से निकालना चाहते हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम क्रोधी हो। तो तुम एक काम करो, तुम शांत हो जाओ, मन अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि मन तुम्हारी परछाई है। तुम खड़े होगे परछाई खड़ी हो जाएगी, तुम बैठ जाओगे परछाई बैठ जाएगी, तुम लेट जाओगे परछाई लेट जाएगी, तुम जैसे हो जाओगे परछाई वैसी हो जाएगी। तुम शांत हो तो तुम्हारा मन भी शांत है, अगर तुम क्रोधी हो तो तुम्हारा मन भी क्रोधी हो जाएगा। सारी बात तुम पर निर्भर है, जैसे तुम वैसा तुम्हारा मन। इसीलिए अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को अच्छे विचारों से निर्मित करो, बस तुम्हारा मन भी अपने आप को अच्छे विचारों से निर्मित कर लेगा। बस तुम जो करोगे वही तुम्हारा मन करेगा। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। एक फकीर का मुझे ध्यान आता है। कभी वह सम्राट था लेकिन फिर वह फकीर हो गया था। वह पैदा तो सम्राट हुआ था लेकिन फिर फकीर हो गया था, और जिस राजधानी में वह पैदा हुआ था उसी राजधानी के बाहर एक झोपड़े में रहने लगा था। लेकिन उसके झोपड़े पर अक्सर उपद्रव होते रहते थे। जो भी उसके झोपड़े पर आता उसी से उसका झगड़ा हो जाता। रास्ते पर था उसका झोपड़ा, गाँव से कोई 4 मील बाहर था, चौराहे पर था। आने जाने वाले राहगीर उससे बस्ती का रास्ता पूछते तो वह कहता, बस्ती ही जाना चाहते हो तो बाएं तरफ भूलकर भी ना जाना, दाएं तरफ के रास्ते से जाना। राहगीर उसकी बात मानकर दाएं तरफ के रास्ते से जाते और 2-4 मील चलकर मरघट पहुंच जाते। वहां जहां बस्ती नहीं सिर्फ कब्रें थी, राहगीर क्रोध में वापस लौटते और आकर फकीर से झगड़ा करते कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हमने पूछा था बस्ती का रास्ता और तुमने हमें मरघट भेज दिया। तो वह फकीर हंसने लगा और कहा, तुम्हें मेरी परिभाषा नहीं मालूम है, मैं तो मरघट को ही बस्ती कहता हूँ, क्योंकि तुम जिसे बस्ती कहते हो उसमें तो कोई भी ज्यादा दिन बसता नहीं। किसी की आज मृत्यु हो जाती है तो किसी की कल, वहाँ तो मौत रोज आती है और किसी न किसी को उठा ले जाती है। वह जिसे तुम बस्ती कहते हो वह तो मरघट है, वहाँ तो मृत्यु की प्रतीक्षा करने वाले लोग बसते हैं, वे प्रतीक्षा करते रहते हैं मृत्यु की। मैं तो उसी को बस्ती कहता हूँ जिसे तुम मरघट कहते हो, क्योंकि वहाँ जो एक बार बस गया सो बस गया, फिर उसकी मौत नहीं होती। बस्ती में उसे कहता हूँ जहाँ बस गए लोग फिर उजड़ते नहीं, वहाँ से हटते नहीं। लगता है पागल रहा होगा वह फकीर, लेकिन क्या दुनिया के सारे समझदार लोग पागल रहे हैं? दुनिया के सारे ही समझदार लोग केवल एक ही बात करते रहते हैं कि जिसे हम जीवन समझते हैं वह जीवन नहीं है, और चूंकि हम गलत जीवन को जीवन समझ लेते हैं इसीलिए जिसे हम मृत्यु समझते
करते हैं वह भी मृत्यु नहीं है। हमारा सब कुछ ही उल्टा है, हमारा सब कुछ ही अज्ञान से भरा हुआ है और अंधकार से पूर्ण है। फिर जीवन क्या है और उस जीवन को जानने और समझने का द्वार और मार्ग क्या है? बुद्ध के संग में एक बूढ़ा बिच्छू रहता था। बुद्ध ने एक दिन उस बूढ़े बिच्छू को पूछा कि मित्र तेरी उम्र क्या है? उस बिच्छू ने कहा, आप भली भांति जानते हैं फिर भी पूछते हैं, मेरी उम्र 5 वर्ष है। बुद्ध बहुत हैरान हुए और कहने लगे, कैसा मजाक करते हो, सिर्फ 5 वर्ष? 75 वर्ष से कम तो तुम्हारी उम्र क्या होगी, 5 वर्ष कैसे कहते हो? बूढ़े बिच्छू ने कहा, हाँ 70 वर्ष भी जिया हूँ, लेकिन उन्हें जीने के वर्ष नहीं कह सकता, उसे जीवन कैसे कहूँ? पिछले 5 वर्षों से ही जीवन को जाना है, इसीलिए 5 ही वर्ष की उम्र गिनता हूँ। वे 70 वर्ष तो बीत गए नींद में, बेहोशी में, मूर्छा में, उनकी गिनती कैसे करूँ? नहीं जानता था जीवन को तो फिर उनकी गिनती भी कर लेता था, अब जब से जीवन को जाना है तब से उनकी गिनती करनी बहुत मुश्किल हो गई है। यही मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जिसे हम अब तक जीवन जानते रहे हैं वह जीवन नहीं है, वह एक निद्रा है, एक मूर्छा है, एक दुख की लंबी कथा है, एक अर्थहीन खालीपन, एक मीनिंगलेस एम्प्टीनेस है, जहाँ कुछ भी नहीं है हमारे हाथों में, जहाँ ना हमने कुछ जाना है और ना कुछ जिया है। फिर वह जीवन कहाँ है जिसकी हम बात करें? मनुष्य का जीवन भीतर से बाहर की तरफ आता है, बाहर से भीतर की तरफ नहीं। एक बीज में जब अंकुर आता है तो वह भीतर से आता है। अंकुर बड़ा होता है तो उसमें पत्ते और फूल लगते हैं, फल लगते हैं। उस छोटे से बीज से एक बड़ा वृक्ष निकलता है जिसके नीचे हजारों लोग विश्राम करते हैं। एक छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष छिपा होता है, लेकिन यह वृक्ष बाहर से नहीं आता, या अंधा भी कह सकता है कि यह वृक्ष भीतर से आता है, उस छोटे से बीज से आता है। जीवन भी छोटे से बीज से ही भीतर से बाहर की तरफ फैलता है, और हम सारे ही लोग जीवन को खोजते हैं बाहर। जीवन आता है भीतर से, फैलता है बाहर की तरफ। बाहर जीवन का विस्तार है, जीवन का केंद्र नहीं। जीवन की मूल ऊर्जा, जीवन का मूल स्रोत भीतर है और जीवन की शाखाएं बाहर है, और हम सब जीवन को खोजते हैं बाहर, इसीलिए जीवन से वंचित रह जाते हैं, जीवन को नहीं जान पाते हैं। पत्तों को जान लेते हैं, पत्तों को पहचान लेते हैं, लेकिन पत्ते जड़े नहीं है। माओ सेतुंग ने अपने बचपन की एक छोटी सी घटना लिखी है। लिखा है कि मेरी माँ का एक बगीचा था, उस बगीचे में ऐसे सुंदर फूल खिले थे कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। एक बार मेरी बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई, वह बहुत चिंतित थी अपनी बीमारी के लिए नहीं बगीचे में खिले फूलों के लिए, कि बगीचे के खिले फूल कुम्हला न जाए। वह इतनी बीमार थी कि बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकती थी। मैंने माँ से कहा, तुम घबराओ मत, मैं फिक्र कर लूंगा फूलों की। और मैंने 15 दिन तक फूलों की बहुत फिक्र की, एक एक पत्ते की धूल झाड़ी, एक एक पत्ते को पोछा और साफ किया, एक एक पत्ते को संभाला, एक एक फूल की फिक्र की, लेकिन ना मालूम क्यों फूल मुरझा गए, पत्ते सूखते गए और सारा बगीचा सूखता गया। 15 दिन बाद बूढ़ी माँ बाहर आई, और बाहर आकर उसने देखा कि उसकी सारी बगिया उजड़ गई है, वृक्ष बेहोश होकर गिर पड़े हैं, फूल कुम्हला गए हैं, कलिया कलिया ही रह गई हैं, फूल नहीं बनी है। माँ पूछने लगी, तू क्या करता रहा 15 दिन तक, सुबह से रात तक सोता भी नहीं था, यह क्या हुआ? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैंने बहुत फिक्र की, मैंने एक एक पत्ते की धूल झाड़ी, मैंने एक एक पत्ते पर पानी छिड़का, मैंने एक एक पौधे को गले लगाकर प्रेम किया, लेकिन ना मालूम कैसे पागल पौधे हैं, सब कुम्हला गए, सब सूख गए। यूं तो माँ की आंखों में बगिया को देखकर आंसू थे, लेकिन मेरी हालत देखकर वह हंसने लगी और उसने कहा, पागल, फूलों के प्राण फूलों में नहीं होते, उनकी जड़ों में होते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते और जमीन के नीचे होते हैं। पानी फूलों को नहीं देना पड़ता है, जड़ों को देना पड़ता है। फिक्र पत्तों की नहीं करनी पड़ती है, जड़ों की करनी पड़ती है। पत्तों की लाख फिक्र करें तो भी जड़ें कुम्हला जाएंगी और पत्ते भी सूख जाएंगे, और जड़ों की थोड़ी सी फिक्र करें और पत्तों की फूलों की कोई भी फिक्र ना करें तो भी पत्ते फलते रहेंगे, फूल खिलते रहेंगे, सुगंध उड़ती रहेगी। तभी मैंने पूछा, जड़ कहाँ है, वह तो दिखाई नहीं पड़ती है। हम सब भी यही पूछते हैं, जीवन कहाँ है, वह तो दिखाई नहीं पड़ता, वह बाहर नहीं छिपा है, वह अपने ही भीतर है, अपनी ही जड़ों में। बाहर जहाँ दिखाई पड़ता है सब कुछ, वहाँ पत्ते हैं, शाखाएं हैं। भीतर जहाँ दिखाई नहीं पड़ता, जहाँ घोर अंधकार है, वहाँ जड़े हैं। तो जीवन बाहर नहीं भीतर है, विस्तार बाहर है, प्राण भीतर है, फूल बाहर खिलते हैं, जड़े भीतर हैं, और जड़ों के संबंध में हम सब भूल गए हैं। माओ पर हम हंसेंगे कि नादान था वह लड़का, लेकिन हम अपने ऊपर नहीं हंसते हैं कि हम भी जीवन के बगीचे में उतने ही नादान हैं। अगर आदमी के चेहरे से मुस्कुराहट चली गई है और आदमी की शांति खो गई है और जिंदगी के हृदय में फूल नहीं लगते हैं और आदमी की जिंदगी में संगीत नहीं बसता है, तो फिर हम पूछते हैं कि कितना तो हम संभालते हैं, कितने अच्छे मकान बनाते हैं, कितने अच्छे रास्ते बनाते हैं, कितने अच्छे कपड़े निर्मित करते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं, सब तो हम करते हैं, लेकिन आदमी फिर भी कुम्हलाता क्यों चला जाता है? यह हम वही पूछते हैं जो उस लड़के ने पूछा था कि मैंने एक एक पत्ते को संभाला लेकिन फूल क्यों कुम्हला गए, पौधे क्यों कुम्हला गए। आदमी कुम्हला गया है क्योंकि वह बाहर संभालता रहा है। और ध्यान रहे कि जिसको हम भौतिकवादी कहते हैं वे ही केवल बाहर नहीं देखते, जिनको हम अध्यात्मवादी कहते हैं दुर्भाग्य है कि वे भी बाहर ही देखते हैं और बाहर ही संभालते हैं। भौतिकवादी तो बाहर संभालेगा क्योंकि भौतिकवादी मानता है कि भीतर जैसी कोई चीज ही नहीं है, भीतर है ही नहीं। भौतिकवाद कहता है भीतर कोरा शब्द है, भीतर कुछ भी नहीं है। हालांकि यह बड़ी अजीब बात मालूम पड़ती है क्योंकि जिसका भी बाहर होता है उसका भीतर अनिवार्य रूप से होता है। यह असंभव है कि बाहर ही बाहर हो और भीतर ना हो। अगर भीतर ना हो तो बाहर नहीं हो सकता। अगर एक मकान की बाहर की दीवार है तो उसका भीतर भी होगा। अगर एक पत्थर की बाहर की रूपरेखा है तो भीतर भी कुछ होगा। बाहर की जो रूपरेखा है वह भीतर को ही घेरने वाली रूपरेखा होती है। बाहर का अर्थ है भीतर
को घेरने वाला, और अगर भीतर ना हो तो बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन भौतिकवादी कहता है कि भीतर कुछ भी नहीं है, इसीलिए भौतिकवादी को तो क्षमा भी कर सकते हैं। लेकिन अध्यात्मवादी भी सारी चेष्टा बाहर ही करता है, वह भी कहता है कि ब्रह्मचर्य साधो, वह भी कहता है अहिंसा साधो, वह भी कहता है सत्य साधो, वह भी गुणों को साधने की कोशिश करता है। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, प्रेम, करुणा, दया, ये सब फूल हैं, जड़ इनमें से कोई भी नहीं है। जड़ समझ में आ जाए तो अहिंसा अपने आप पैदा हो जाती है, और अगर जड़ समझ में ना आए तो अहिंसा को हम जिंदगी भर संभालते रहे फिर भी अहिंसा पैदा नहीं होती, बल्कि अहिंसा के पीछे निरंतर हिंसा खड़ी रहती है। और वे हिंसक बेहतर है जो बाहर भी हिंसक है, लेकिन वे अहिंसक बहुत खतरनाक है जो बाहर तो अहिंसक लेकिन भीतर हिंसक है। इसीलिए अपनी जड़ों को संभालो, अपनी जड़ों को पानी दो, न कि फूल पत्तों को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।